तो राम राम जी, फिर से आ चुके हैं भाई। आज के दिन जो है, जो गांव का मुक्ति धाम है, ठीक है, उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। और आपको भी दिखाएंगे भाई, गांव का जो मुक्ति धाम है उसके अंदर किस प्रकार का व्यू है, किस प्रकार का, मतलब सबसे पवित्र जगह होती है वो। अपना जो है, कितने पेड़ हो चुके हैं भाई, 63, और इस भाई के हो चुके हैं भाई 30। तो आज देख पाते हैं भाई कितने हो पाते हैं। और आज भाई एक और स्पेशल बंदा जो है आने वाला है। कल भाई दो भाइया ने जो है फिर से स्टार्ट कराया भाई पेड़ लगाना। बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन जो है अलग लोकेशन पर लेकर चलना है भाई, और उस लोकेशन पर पेड़ लगाने का काम करेंगे, ठीक है। तो भाई क्यों शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ है, देखो भाई अपना। तो भाई मुक्ति धाम में आ चुके हैं भाई, देखो ऊपर मिले। मुक्ति धाम के अंदर जो है लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आ चुके हैं भाई मुक्ति धाम के अंदर। और यहाँ पे भाई पेड़ पौधे लगावांगे भाई, देखांगे, ठीक है, किस तरह से। अच्छे देखे, वो बैठने खातर बना रखे है भाई, बहुत बढ़िया काम है। ये संदीप सरपंच है और सरपंच साहब और पानी की टंकी भाई, मतलब हर एक सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो राजीव रही रात ने बता देना। तो भाई क्या बात। तो भाई 7 बज चुके हैं भाई। आज का जो अपना खड्डा खोदने का काम था वो पूरा कर चुके हैं लगभग लगभग। ये लगा ले भाई, क्या खोदया रहा है? 9, 7, 16, मतलब 16-17 के आसपास खोदया है भाई। थोड़ा लेट गया था भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा, देख पसीना में कभी टी शर्ट आली हो रही है भाई। और यो भाई, भाई कड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। एक दो आदमी सा मिल गया आज, मतलब उनने थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया आप, लेकिन आपा भाई डिमोटिवेट ना हुआ, लगातार चलना है भाई, करांगा काम, ठीक है। तो आप जो है वीडियो ने शेयर करा करो, और आज का जो ब्लॉग है वो अड़े समाप्त करेंगे। और दो स्पेशल आदमी आज भी भाई वो नहीं आन पाए, तो कल देखा भाई उनका जो वो आऊँगा या ना आऊँगा। केला कह देना, दो आदमी आऊँगा, आऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद भाई वीडियो में जुड़ने के लिए।